हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटमन कैसे निकालते हैं एज पर आईएस 1205 के हिसाब से। तो चलिए पहले क्या क्या यूज होता है वो देख लेते हैं। ये ग्लिसरीन है, और ये डेक्सट्रीन पाउडर है, ये बाल सेंटर गाइड है, ये टेपर रिंग है, ये बाल है जिसका डाय 9.5 mm है और वेट 3.5 ग्राम है, ये डिजिटल थर्मामीटर है, ये रिंग बाल ऑपरेटर है, ये टेम्परेचर रेगुलेटर है, ये देखिए ये स्टेरर है, ये बिटमन सैंपल है, इसको हमने गर्म करके रखा हुआ है, तैयार किया है। ये आइस है जो हमारे पानी के टेम्परेचर कंट्रोल करने में काम आएगी। 5 डिग्री लाने के लिए हमको तो आइस यूज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसका टेम्परेचर हम लोग देख लेते हैं। इसका टेम्परेचर बिटमन सैंपल का 75 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, और ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डेक्सट्रीन और ग्लिसरीन को हम इक्वल पार्ट लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ये ग्लास प्लेट पे लगा देंगे, जिससे कि हम लोग जब रिंग रख के उसमें बिटमन डालेंगे तो वो चिपके ना। इसलिए हम लोग, आपको अगर डेक्सट्रीन नहीं है तो कोई भी पाउडर यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हम रिंग रख देंगे, इसमें बिटमन जो हम डालेंगे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और कैसे डालना है ये देख लीजिएगा। थोड़ा सफाई से डालना है, और हम अभी हमने स्टॉपवॉच चालू कर लिया है। जैसे हम डाल रहे हैं वैसे ही आपको डालना है। 30 मिनट तक उसको रूम टेम्परेचर में ठंडा करना है, ये ध्यान रखिएगा। हमने स्टॉपवॉच तो चालू कर दिया है, ऐसे ही डालिएगा, नहीं तो पूरी जगह गिर जाएगा बिटमन। ये 30 मिनट तक रूम में ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर। तीस मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको चाकू गर्म करके ऊपर से इसको ट्रिम कर देंगे। देखिए 30 मिनट होने वाला है, ये हो गया। अब इसको, हाँ, अब हम ट्रिम कर देंगे, ऊपर से लेवल बराबर कर देंगे। जो पानी डिस्टिल वाटर है उसका टेम्परेचर हमको 5 डिग्री मेंटेन करना है। उसके लिए आप उसमें बर्फ डाल के 5 डिग्री तो उसको मेंटेन करिए, उसको कैसे भी करके। अभी क्या है, आप इसको ये रख दीजिए,
सेंट्रल गाइडलाइन है बोलिए। अब इसको हम पानी में रख देते हैं और 15 मिनट तक इसको स्टेबल करेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 15 मिनट के बाद इसके फिर हम लोग इसको बाल इस बाल रख देंगे। जल्दबाजी करने लगते हैं ना, इसको लगाना पड़ेगा ना। हाँ मिनट होने वाला है और 15 मिनट हो गया है और टेम्परेचर भी 5 डिग्री आ गया है। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये बाल इसमें रख देंगे हम। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर रेगुलेटर से 5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे यानी मेंटेन करेंगे। अभी हम स्टीरर की स्पीड आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई नियम कानून नहीं है। 5 डिग्री पर मिनट हमको मेंटेन करना है, 5 डिग्री प्लस माइनस 0.5, यानी पहले 1 मिनट में ये 10 डिग्री होना चाहिए। अब स्टॉप वॉच चालू कर दीजिए, यानी पहले मिनट में ये 10 डिग्री होना चाहिए, ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। एक मिनट में 10 डिग्री होना चाहिए। एक मिनट हो गया, 10.2 है, ठीक है, प्लस माइनस 0.5 होना चाहिए। दो मिनट में 15 होना चाहिए। ये देखिए 2 मिनट हो गया है और ये हो गया 14.9, ठीक है। और 3 मिनट में 20 होना चाहिए, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। अगर कुछ ज्यादा कम आ रहा है तो आप रेगुलेटर से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए 3 मिनट हो रहा है और टेम्परेचर आपका 20 हो गया। ये देखिए आपका 5 मिनट में 30 हो गया। Yes.
सॉफ्टनिंग पॉइंट के पास पहुंचने वाला है। ये गिर रहा है, ये इतनी जल्दी गिर रहा है, टेम्परेचर आगे पीछे होता है, हम आपको कायदे से बता नहीं पाएंगे। अभी 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये गिर गया, देखिए थोड़ा सा बढ़ गया 50। दूसरी बार गिरने वाली है ये 50.8 पे गिर गई। अब इसको हम लोग नोट कर लेंगे और दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, 50.5 आ गया। तो आशा करता हूँ आपको पूरा प्रोसीजर कायदे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।